एक तरफ गुजरात में चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ही चुनावी घमासान मचा है, तो गुजरात में एक बार फिर से पेपर लीक होने से राजनीति गरमा गई। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए बीकॉम का पेपर लीक हो गया। गुजरात के अखबारों ने लीक हुए पेपर को आज के एडिशन में फ्रंट पेज पर छाप दिया। इसे लेकर हंगामा हो गया। पेपर रद्द होने से छात्रों में भारी नाराजगी। गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दिए। विरोधियों को गुजरात सरकार पर हमला करने का अवसर मिल गया। जितने भाजपा के मंत्री हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, सबके बच्चे, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई हिंदुस्तान की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन आपका बच्चा, आम घरों का, गरीब आदमी का, गरीब परिवार का बच्चा, जो दिन रात मेहनत करता है, जो रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करता है, फिर 4 बजे उठ के फिर से किताब के पन्ने पलटकर पढ़ाई शुरू कर देता है, इस आस में कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छी नौकरी पाऊंगा और अपने परिवार की गरीबी मिटाऊंगा, आज केवल एक बच्चे के भविष्य से नहीं बल्कि 25,000 परिवारों के भविष्य से, सौराष्ट्र के 25,000 परिवारों के भविष्य से भाजपा ने खिलवाड़ किया है, उनकी किस्मत फोड़ी है। एक पेपर लीक होना मतलब बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाना है। मैं आज गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने आपके बच्चों के पेपर फोड़े, आपके बच्चों के एग्जाम फोड़े, अब इन नेताओं का, भाजपा के नेताओं का एग्जाम आने वाला है जो 5 साल में एक बार आता है, चुनाव। इस चुनाव में अपने बच्चों के पेपर फोड़ने का बदला लेने के लिए भाजपा के नेताओं की किस्मत फोड़ने का काम आप लोग कीजिएगा, ये मैं आह्वान आपसे करना चाहता हूँ।